जाको बांध बाम पद दीन्हा मारुत सुत व्याकुल बहुकीन्हा सौ भुज बल का कीन कृपाला अच्छत तुम्हें मोर यह हाला आरत हरण नाम हनुमाना सादर सुरपति कीन बखाना संकट रहे ना एक रति को ध्यान धरे हनुमान जति को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त के दोनों अनुभव ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन अनुभवों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बजरंगबली की भक्ति में कितनी शक्ति है और क्यों दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और आज मैं हनुमान जी के चमत्कार से जुड़े अपने कुछ अद्भुत अनुभव आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ और माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ। मेरे घर की कुल देवी माँ शारदा है और कुल देवता के साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है। हमारे घर में एक रूम है जिसमें घर के कुल देवता के साथ हनुमान जी विराजते हैं और कोई भी घर के बाहर का व्यक्ति उस रूम में नहीं जा सकता। हनुमान जी हमारे घर के रक्षक है। पहला अनुभव मेरे भाई से जुड़ा है। आज से कुछ साल पहले मेरे घर में हमारे ही एक करीबी रिश्तेदार ने कोई टोटका करवा दिया था और एक रिश्तेदार ने तो मेरे भाई को कुछ खिला दिया था, जिसके बाद मेरा भाई बीमार हो गया। वो कुछ भी खाता था तो उसे हजम नहीं होता था, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी और सारे टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे थे। हमने बहुत से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा भाई दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। एक बार तो वो रात को कहीं चला गया था। पर जयेश भाई, आप तो जानते हैं ना कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देते। तो भाई का एक दोस्त उसको पकड़कर घर लेकर आया। मेरे भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने कभी कुछ बुरा नहीं होने दिया। हमारे घर में पैसों की दिक्कत भी होने लगी थी, जिस वजह से मुझे मेरा ट्यूशन भी छोड़ना पड़ा। हमारा एक दूसरा घर भी था, वहाँ पर 5 से 6 गायें रखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी को गौ सेवा करना बहुत पसंद है। आप मानोगे नहीं जयेश भाई, हमारे ऊपर किए गए टोटके का असर उन जानवरों पर भी पड़ने लगा। उन गायों में से एक गाय अंधी हो गई थी और दूसरी पागल हो गई थी, और जब भी किसी गाय को बच्चा होता तो वो मरा हुआ पैदा होता। हमने बहुत से पंडित और जानकार व्यक्तियों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा के एक दोस्त और हमारे एक रिश्तेदार ने हमारे दूसरे घर पर शमशान की राख फेंक दी थी, और जयेश भाई हमारे ऊपर की प्रॉब्लम्स को उन बेजुबान जानवरों ने अपने ऊपर ले लिया था, वरना हमारे घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती थी। मेरी मम्मी घर के कुल देवता की पूजा करती थी, फिर भी कुछ असर नहीं होता था। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे घर में हमारे कुल देवता के साथ हनुमान जी भी विराजित है, तो एक बार मेरी मम्मी पूजा कर रही थी और पूजा करते वक्त मम्मी रोने लगी और हनुमान जी से कहने लगी कि हे प्रभु, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको बांध सके। आपकी नजरों के सामने मेरा घर बिखर रहा है, मेरा बेटा बीमार है, हमारी मदद करो प्रभु। और जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि अचानक से जहां मम्मी पूजा कर रही थी वहां हवन की आग भी जल रही थी। उसी के नीचे से एक बहुत तेज आवाज आई और हवन की लकड़ियां इधर उधर हो गई। मम्मी समझ गई कि ये हनुमान जी का कोई संकेत है कि वे हमारे साथ है। मम्मी को कई बार सपने में हनुमान जी के दर्शन भी हुए हैं। उसके बाद मम्मी को रात को सपना आया कि हमारे कुल देवता के कमरे में कोई आदमी घुसा है और मम्मी ने उसे उस कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, तो वो आदमी मेरे मौसा थे। फिर मम्मी ने एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे मौसा ने हमारे घर के कुल देवता को बंधवा दिया है, लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता। इसलिए जब मम्मी हनुमान जी को याद करके रोई तो उन्होंने संकेत दिया। फिर हमने एक पंडित जी द्वारा विधिवत पूजा पाठ करवाया और उन्होंने मेरे भाई को माँ काली का एक तावीज बनाकर दिया जो बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है, और धीरे धीरे मेरा भाई ठीक होने लगा और घर की सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लगी। दूसरा अनुभव मुझसे जुड़ा है। जब भी मुझे डर लगता या कोई बुरा सपना देख लेती तो मम्मी कहती कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, सारा डर दूर हो जाएगा। इसलिए जब भी मुझे डर लगता तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती थी और मेरा डर दूर हो जाता था। पिछले दिसंबर की ही बात है, मेरी तबीयत खराब होने लगी, मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर कुछ दिन बाद मैं जो भी खाना खाती वो डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर मम्मी ने किसी जानकार व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे ही पड़ोस में रह रही एक औरत ने जलन के
कारण कुछ करवा दिया मुझ पर ताकि मैं पढ़ाई ना कर पाऊं और अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सकूं। ये सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आने लगे। दिन भर मैं अकेले रहती और रोते रहती थी, भगवान से पूछती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ ही क्यों। फिर मैं लखनऊ में एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवाई दी पर उससे भी आराम नहीं मिला। फिर मुझे टेस्ट करवाने को बोला तो टेस्ट में मेरे इंटेस्टाइन में अल्सर निकले। डॉक्टर ने टिश्यू की बायोप्सी ली और टेस्ट के लिए भेज दिया। ये सब होने पर मैं बहुत डर गई थी क्योंकि ये अल्सर कैंसर वाले भी हो सकते हैं। फिर डॉक्टर ने दवाई दी और मैं घर आ गई। फिर अगले दिन से मैं रोज माता के मंदिर जाने लगी और उनसे कहने लगी कि मेरी बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आए, इंटेस्टाइन के अल्सर कभी ठीक नहीं होते और बहुत टाइम तक इसकी दवाई चलती है। परहेज की वजह से मैं एकदम सिंपल खाना खाने लगी जिस वजह से मेरा वजन भी कम होने लगा। पेट में दर्द होने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। एक बार रात को मुझे बहुत उल्टी हुई और मैं अपने रूम में बैठकर रो रही थी तो अचानक जब मैंने फोन उठाया तो मेरे सामने हनुमान चालीसा का वीडियो आया। मैंने उसे सुना तो पता नहीं मेरे मन को शांति मिली और मैं सो गई। फिर अगले दिन शाम को मैं अपने रूम में बैठकर भगवान को याद करके रोने लगी। मैंने बोला, दुर्गा माँ, अगर कभी भी मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे प्लीज ठीक कर दीजिए। मैंने हनुमान जी को भी बोला कि बजरंगबली, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। जयेश भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर है जहां पर हम कभी कोई मन्नत मांगते हैं तो जरूर पूरी होती है। मैंने भी प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि मुझे ठीक कर दीजिए और मैं फूट फूट कर उनके सामने रोने लगी और उसी रात से मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार लगने लगा। दूसरे दिन मैंने आपका वीडियो देखा और बहुत सारे भक्तों के अनुभव देखे, मैंने भी सोच लिया कि मैं भी हनुमान जी की भक्ति करूंगी। अगले दिन शनिवार था और मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का भी पाठ किया। आप मानेंगे नहीं जयेश भाई, मेरा खाना ठीक से डाइजेस्ट होने लगा। पता नहीं जिस दवाई से मुझे इतने दिनों से आराम नहीं मिल रहा था, एक ही दिन में उसी दवा से मुझे आराम होने लगा। फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी हनुमान बाहु के ऊपर, जिसमें आपने बताया था कि बीमारी में अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये पाठ कर सकते हैं, मैंने वो भी किया। आपके चैनल पर बजरंगबली के चमत्कार की वीडियोस देखकर प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ कर जल भी पिया, मेरी तबीयत 70% तक ठीक हो गई थी। फिर मंगलवार को मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आने वाली थी पर किसी वजह से मैं लखनऊ डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाई, तो मंगलवार की शाम को मैं हनुमान जी के मंदिर गई और उनसे कहा कि बजरंगबली, मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट नॉर्मल आए, अब आप ही कोई चमत्कार करिए और मुझे ठीक कर दीजिए। अगले दिन मैं सुबह उठी और श्री राम स्तुति, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ भी किया। फिर मैंने हनुमान जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, इसलिए आज आप मेरे साथ चलिए मेरे रिपोर्ट्स लेने। मैं ट्रेन से जा रही थी और रास्ते भर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए गई। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था पर बाद में मुझे महसूस होने लगा कि बजरंगबली मेरे साथ है तो डर किस बात का। फिर जब मेरी रिपोर्ट मिली तो पता चला कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ माइल्ड कोलाइटिस निकला है, जबकि मुझे लगा था कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस बीमारी का बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है और ठीक होने की ज्यादा उम्मीद नहीं होती। फिर मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर को लगा था कि मेरी प्रॉब्लम सीरियस है पर रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं और मैंने बोला कि 3 से 4 दिनों से मुझे बहुत आराम भी है और थोड़ी सी दवाई देकर मुझे डॉक्टर ने भेज दिया। मैंने बजरंगबली को खुश होकर धन्यवाद किया और बोला था कि मैं भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। मैं 1 महीने से ज्यादा परेशान थी और प्रभु की कृपा से सिर्फ 7 दिनों में ठीक हो गई। आपको भी धन्यवाद जयेश भाई, भक्तों के अनुभव हम तक पहुंचाने के लिए। ये बात सच है कि बजरंगबली सबके दुख दूर करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति जरूरी है। संकट चाहे कैसा भी हो, बस दिल से उनको याद करें, वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। देखना, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।